वेलकम गाइज माई न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं भोले बाबा के, जो भक्त है वो कावड़ लेने गए हैं और उन्हीं को देखने के लिए हम जा रहे हैं उनके सामने, तो उनका स्वागत सत्कार करेंगे और इसी कड़ी में उनके पास जा रहे हैं। देखिए आप भी चलिए उनके साथ। सुना रहा हूँ एक दास्तान है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। लाखों कांवड़िया जाते हैं श्री बाबा धाम को जपते हुए उमंग में। बम बम के नाम को एक लौता बेटा बाप का माता का नौनिहाल। कांवड़ चढ़ाने के लिए वो भी चला एक साल। उसकी पत्नी बोली कि आपके संग में भी जाकर चढ़ाऊंगी। खुशियों में झूमते हुए वो दोनों चल पड़े भोले को जल चढ़ाने के लिए घर से। यह है भोले बाबा के भक्त जो झुनझुन से कावड़ लेके आए। झुनझुन में एक तीर्थ स्थल है लोहारगढ़, और वहीं से ये कावड़ लेके आ रहे हैं। 110 किलोमीटर के लगभग पैदल चल के आ रहे हैं, और इन्होंने में भक्ति भरी हुई है भोले बाबा के प्रति। जुनून है, प्यार है, हर साल ये इसी तरह कावड़ लाते हैं। अकेली संसार में वो बह गया श्री गंगा जी की बीच धार में। चारों तरफ में जैसे एक चित्कार मच गया। गंगा के किनारे में हाहाकार मच गया। पतली पछाड़ खाती थी रोती थी जार जार के भोले तूने लूट लिया मेरा सोने का संसार। Thank you.